नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ निजामाबाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने ज्ञापन सौंपा। तहसील निजामाबाद क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं ने महामहिम राष्ट्रपति राज्यपाल के नाम संबोधित 11 सूत्रीय मांग पत्र तहसीलदार निजामाबाद शैलेंद्र कुमार सिंह को दिया। भाकपा के दर्जनों महिला पुरुष कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लिए थे, जिसमें किसान विरोधी तीनों किसान कानून रद्द करने, पेट्रोल डीजल रसोई गैस की असमान छूती कीमतें कम करने, सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण बंद करने, विद्युत अधिनियम 2020 वापस लेने जैसे नारे लिखे थे। 12 बजे दिन में भाकपा उत्तर प्रदेश राज्य समिति सदस्य कॉमरेड जितेंद्र हरि पांडे के नेतृत्व में भाकपा कार्यकर्ता सड़क पर प्रदर्शन और जमकर नारे लगाते हुए तहसील के मुख्य गेट पर पहुंचकर तहसीलदार निजामाबाद को मांग पत्र सौंपा। इस मौके पर अधिवक्ता व भाकपा नेता जितेंद्र हरि पांडे, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। निजामाबाद से मोहम्मद शारिफ की रिपोर्ट।